पहले पैसा दे फिर चुकरिया ले जा। पार्टी लेके एम्बुलेंस भेज। डॉक्टर डॉक्टर उसे गोली लगी, आप जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। लेकिन पुलिस, देखिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, आप ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए। ओके सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो। कम फास्ट। बेटा तुम ठीक हो ना? पापा एजेंट को बचा लीजिए प्लीज। बोल किसके लिए काम करता है, बोल। लीडर कौन है तेरा? बस सीधी तरीके से मुंह नहीं खोलेगा तो डंडा घुसा के मुंह खुलवाना आता है मुझे। और वो जो तेरा तेरा दोस्त है ना जो भाग गया है, समझा? वो बाहर रह के तुम्हारी मदद कर दे ये भूल जाना, समझा? वो तो मैं पकड़ूंगा ही, जिंदा या मुर्दा, समझा? बहुत डरपोक सा सर। क्या बोला? उधर बोक था इसीलिए भाग के। उसकी सजा इन दोनों को काय दे रहे हो दरोगा जी? मार डालोगे का? बड़ी चिंता हो रही है तुझे अपने साथियों की? हाँ छोड़ देता हूँ इन्हें। ए छोड़ दो रे, तू ही बता दे किसके लिए काम करता है तू? हाँ अरे हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, ये हमारे लिए काम कर रहे, हम इन लोगों के सरकार है ना। सरकार है? अरे ऐसे काहे घूरते हो दरोगा जी? अब गलती से हाथ आ गए तो आंखों से ही खा डालोगे का? ससुरा मानव देशमुख की फैमिली ने पूरा गुड़गोबर कर दिया, ये तो हमारा मिशन तो एकदम सक्सेसफुल। अबे समझता क्या है तू अपने आप को? है क्या सोच रहा है? उस मासूम बच्ची को किडनैप करके बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। एक्सपोर्टमेंट का केस लगेगा तुम पे, कोर्ट में घिसते फिरोगे तुम, समझे? दरोगा जी अब वो तो बकत ही बताएगा। हाँ एक बात है कि वो लड़की को हम किडनैप जरूर किए थे, लेकिन गंगा माई की कसम कोनो उल्टी हरकत ना ही की है, परोस तक ना आई है उसको। पूछ लीजिए उस लड़के का क्या जिसको दो गोलियां लगी थी? अब वो कहा है कोई हम पे झपटेगा तो नाखून तो हम भी मारेंगे ही, अपना बचाए की खातिर हो गई था भाई। हमको क्या पता था कि वो छोक रहा। बड़ा होशियार समझते हो तुम, है? कानून को मजाक समझ रखा है तुमने, है? मानव देशमुख और उसकी बेटी के साथ क्या कर रहे थे तुम्हें सब पता है मुझे, और ये सब मुझे जब से पता है जब से तुमने 3 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम मांगी थी। और मुझे पता है कि तुम जैसे लोगों का बहुत बड़ा गिरोह है और उसकी तह तक मैं पहुंच के रहूंगा। ए चला बाहर चला। तू अच्छा नहीं किया मानव देशमुख, ना 3 करोड़ बचाने के खातिर अब तू का काक होएगा। कितनी आसानी से इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसका मतलब ये लोग तो सिर्फ एक प्यादे हैं, असली मुखिया तो कोई और ही है। मुझे उस तक पहुंचना होगा। एक बात बता जी, जो इनका एक चौथा साथी था कुछ पता चला उसका? जी नहीं, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। हमें जल्द से जल्द उसको पकड़ना होगा, ये लोग अपना मुंह खोले या ना खोले वो जरूर खोलेगा। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later.
बिस्नु? बिस्नु नहीं माई, हम किसना बोल रहे हैं। किसना बिस्नु कहाँ है और तेरी आवाज को कहा हुआ? तो ऐसे घबराया हुआ काहे लग रहा है? माई वो सब छोड़ो, पहले ये बताइए बालन काका कहाँ है? पहले हमारी बात का जवाब दे, बिस्नु कहाँ है, कैसा है वो? माई माई वो लाला को किसना ठीक से बता, बिस्नु कहाँ है? इधर क्या कर रहे हो, हम कब बात भी नहीं करने दोगे? अबे कितनी बार बोला है तुमको, हमरे फोन पे फोन किया कर, हुआ क्या किया? काका हम पहले फोन आपको ही किए लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है आगे बोल भवा का। पूरा सत्यानाश हुई कहाँ है काका, हमारा पूरा प्लान गुड़ गोबर हो गया है। पुलिस ने लाला यादव चेनू सबको पकड़ लिया है, हम भी पुलिस की चपेट में आ ही गए थे, बस एंड वक्त पर हम अपनी जान बचा कर वहां से भाग निकले। अबे ये क्या बोल रहा है बे? हैं? विष्णु लाला को कहा हुआ? विष्णु लाला को कैसे? वो ठीक तो है ना? मेरी बात क्यों? सुन देख हमारी बात ध्यान से सुन, जहां छुपा बैठा है वहीं बैठा रहे, उनको नजर आने का जरूरत ना है, समझा कि नहीं? और घबरा मत, हम आज ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। जी काका ठीक है। मुंबई? मुंबई कहाँ जा रहे हो? हमारी बात का जवाब दो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे, क्या हुआ हमारी लालक? ए, तू कौन होती है रे? तू होती कौन है उसके बारे में पूछने वाली? बढ़िया खराब मत कर, समझा कि नहीं? चल जा रसोई में अपना काम कर, चल। हम नहीं जाएंगे, हमारी बात का जवाब दो, मुंबई कहाँ जा रहे हो? अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करत है, ये सब का खबर लेगी तू? अवकाश अवकाश मेरा समझा, मारो मैं छापा। नौटंकी मत कर, देख नौटंकी करती रहती है। ए हरिया इधर आ। अर्जुन वहाँ है? नहीं बेटा वहाँ नहीं जा सकते सर, सर वहाँ नहीं जा सकते सर। अर्जुन? सर अभी अभी अर्जुन का ऑपरेशन हुआ है। उसे जस्ट अभी स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सर डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं, बस उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हुआ क्या है? सर जब मैं पूर्वी को छुड़ाने घर से निकला था तो मेरे पीछे पीछे अर्जुन भी निकला था। ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से मिलने चाहता हूँ। आप सब अर्जुन किर्लोस्कर के रिलेटिव हैं? यस, वो मेरा बेटा है। बोलिए। आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है, भगवान का शुक्र है कि दो गोलियां लगने के बाद भी वो खतरे से बाहर है। देखिए मैं सबको तो अलाउ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप सब में से कोई भी एक जन आकर उससे मिल सकता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। थैंक यू। ठीक हो जाएगा अर्जुन, ठीक हो जाएगा। सर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अर्जुन आंटी की बात को साबित करने के लिए आई हैव टू डू दिस टाइम। अर्जुन I'm so proud of you, बेटे। मैं तुम्हें प्यार तो बहुत पहले से करता हूँ। Now you've turned into a hero. You didn't have to do this. आशना, आदमी अपने आप से बातें करता हुआ कितना बेवकूफ लगता है ना? How stupid I feel. तुम होते तो कुछ जवाब देते। So wake up. हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
अंकल अंकल अर्जुन को होश आया कि उस नब से बात की, कैसा है वो अभी? He's all right, बेटे. लेकिन उसे अभी होश नहीं है. होश नहीं है? वो भी प्लीज संभाल अपने आप को, कितना रोएगी. अभी अभी डॉक्टर ने कहा ना कि अर्जुन अब ठीक है, अर्जुन को होश आ जाएगा, वो खतरे से बाहर है. वो भी प्लीज, मैं जब तक खुद ना उसे देख लूं मुझे चैन नहीं आएगा. पापा मैं अर्जुन को खोना नहीं चाहती, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? कुछ नहीं होगा बेटा अर्जुन, कुछ नहीं होगा. ये तो सब तुम्हारी वजह से हुआ, आज अर्जुन हॉस्पिटल सब तुम्हारी वजह से. अगर मेरे अर्जुन को कुछ हो गया ना, मत पे वकील बाबू, हम पटना स्टेशन आ गए हैं और टिकट भी ले लिए. लेकिन सरकार इस तरह अचानक मुंबई, कोई इमरजेंसी आ गई है क्या? अरे इमरजेंसी है तभी तो आ रहे हैं. आप एक काम कीजिएगा, हुआ मुंबई में अपनी तरफ से एकदम रेडी रहिएगा. का? अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए, तभी तो मैं प्रिपरेशन कर पाऊंगा ना. हमारा लाला है ना, उसका पुलिस ने पकड़ लिया रंगे हाथ. क्या बात कर रहे हैं, किस केस में? फिरौती मांगने के केस. आप तो जानते ही हैं लाला, हमारे धंधे की जान. अगर रूका सही वक्त पे वहाँ से नहीं छुड़ाया तो हमारा तो धंधा ही चौपट. अच्छा ठीक है, आप आ जाइए, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है. हाँ ठीक है, राम राम. हमने तुमसे हजार बार कहा है हमारे बेटे को तुम्हारे इस धंधे से दूर रखा करो, लेकिन तुमने नहीं सुना. आज तुम्हारा ये धंधा हमारे बेटे की जान पर बना है. का नौटंकी है सब, हां रही नहीं तुम. चल चल. इधर इधर. यह क्या कर रही है? हमने तो मना किया था ना घर से बाहर मत निकलना. तो देख झूम, तो हर जगह है रसोई घर, वही रहा कर. अब चल जा, वापस जा. नहीं जाएंगे, हमरा बेटे की जान उधर खतरे में है और तुम हमका घर भेज रहे हो. नहीं जाएंगे हम. किसना का फोन आया था ना, उसी वक्त हम समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए तो हर पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं हम. तो ससुरी अब तू हमारी जासूसी करने लगी है ना? हमरे बेटे के वास्ते हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानत हो. और एक बात, हम तो हर साथ मुंबई चल रहे हैं. का, का, का? ये काम बकवास कर रही है ससुरे, तू मुंबई जाएगी? अच्छा कोई बात नहीं, तू तो शहर से बहुत नफरत करती थी ना, लाला को भी बोलती रहती थी कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ. तो अभी काहे को जाएगी मुंबई तू? हमने कहा ना विष्णु के वास्ते हम कुछ भी कर सकते हैं. कहा ना तुमसे, हम मुंबई जाएंगे और उधर उसको छुड़ाकर वापस लेकर आएंगे. अच्छा तो थोड़ी जानकारी के लिए एक बात बता देते हैं, कि बिना टिकट रेल में सफर करना आज भी मना है. 18 साल पहले टिटिया ने जैसे तेरे को ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकलवा दिया था ना, आज भी वैसे फिकवा दिया. इस बार पालन तो बचाने के लिए नहीं आएगा, कह देते हैं.
मुंबई का टिकट है हमारे पास, पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखे हैं हम। और एक बात, इस बार ई ट्रेन को हम छोड़ नहीं सकते। ओवी, कॉफी लाऊं तेरे लिए? कुछ लेगी? पानी लाऊं? नहीं। बाबा, आजी का फोन आया था, अर्जुन के बारे में पूछ रही थी। मैंने बता दिया कि वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि अब खतरे से बाहर है। आजी आने के लिए कह रही थी पर मैंने मना कर दिया। अच्छा किया बेटे, यहाँ आती यहाँ के हालात देखकर और डिस्टर्ब हो जाती है। और वैसे भी दही हंडी के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही काफी थकी थकी सी लग रही थी। घर पर रहेगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। मिस्टर डीके, अर्जुन को होश आ गया है, अब आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। कैसी हो तुम? अच्छा, तुम कैसी बातें कर रहे हो ना, खुद की हालत देख रहे हो जो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता। कम से कम एक बार तो अपने बारे में सोचा होता ना। कैसे सोचता? वहां तुम खतरे में थी ना, तो मैं अपने बारे में कैसे सोचता? तुम ठीक हो? मिस्टर अर्जुन, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटा। मिस्टर डीके, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करा देता हूं, आप आके वहां पे साइन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। डैड। अर्जुन, चलो घर चलते हैं। नो डैड, अभी नहीं। अभी मेरी शर्त बाकी है डैड।